फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीता चांडक ब्लॉग्स। ऐसे हैं आप सब लोग, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हो गई है मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और अभी हम बना रहे हैं दूध। दीशी और मेरे लिए मिल कर्म कर रही हूँ मैं, उसके साथ साथ आज मैं बनाने वाली दाल चावल या दाल राइस। तो उसके लिए दाल मेरे को धो के भिगोनी है, तो बस उसी की तैयारी चालू है। आज थोड़ा सा लेट उठे हैं हम, मैं तो जल्दी उठ गई थी। आज पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी मुझे, और दीशु अभी उठा है। दीशु को जाना है क्लास, आज संडे है, उसके बाद भी आज दीशु को क्लास जाना है। बहुत एग्जाम्स चल रहा है और इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि मैं आपको बताती हूँ। मौसम देखिए आप कितना सुहाना हो रहा है, कितना सुहाना मौसम है, एकदम मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और कोई धूप नहीं है। यहाँ पर पीने के पानी की बकेट को वॉश करके पानी भर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक मटका और एक पानी का बकेट भर के ज़रूर रखती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकर, और उसके बाद मैं अब मैं राइस डाल रही हूँ क्योंकि मैंने नहा लिया है। दाल ऑलरेडी बन गई है, तो बस अब मैं राइस डाल देती हूँ कुकर में और राइस चढ़ा देती हूँ। दीशु और मैं ही खाने वाले हैं, तो ज़्यादा बनाना नहीं है मुझे आज, तो बस हम दोनों मिल के राइस खाएँगे आज। राइस और दाल काफ़ी दिन से हो भी गया है तो खाया भी नहीं है। ये जो राइस है गाइस, ये पतंजलि का राइस है, पतंजलि के प्रीमियम राइस, बहुत ही लाजवाब है। इतनी बार भी बहुत अच्छा है, और पर्सनली मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी आपको राइस में कोई ब्रांड पसंद नहीं आ रही है तो आप पतंजलि यूज़ कीजिए, बहुत टेस्टी पतला लंबा राइस बनता है। ये हमारी दाल भी बॉयल होकर रखी हुई है, बस इसको भी अब हम तड़का मारने की तैयारी में हैं। फटाफट तड़का मार लेते हैं और दाल राइस कंप्लीट करके रख देते हैं ताकि बच्चा भी आएगा तो खाएगा। और यहाँ पर जो राइस है मैंने उसमें घी और नमक डालना है, तो घी मैंने डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है यहाँ मैंने, और घी भी बनाया था, तो ये घी बन रहा है यहाँ पर मेरा। जैसे कि आपको पता ही होगा, ब्लॉग कभी आप मेरे लंबे समय से देख रहे हैं, तो मैं घी बनाती रहती हूँ 15-15 दिन में। और बस घी के और इसके फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। मैं सिम पर ज़्यादातर काम करना पसंद करती हूँ। कुकर चढ़ा दिया है गैस पर, अब दो विसल आएगी तभी मैं इसको हटाऊंगी। सिम पे मैं काम कर रही हूँ, और तो दो विसल में अच्छे से राइस पक जाएगा, मैंने गलाया भी नहीं था। साथ ही में ये जो बच्ची है उसके एग्ज़ाम चालू हैं, तो इसलिए मैं उसको संडे भी पढ़ा रही हूँ, बाकी सारे बच्चे नहीं आते हैं संडे। सैटरडे संडे मैं हॉलीडे रखती हूँ, और साथ ही में मैं साथ काम भी करते जा रही थी क्योंकि उसका कम्प्लीट हो गया था, वो जा रही है, तो मैंने सोचा चलो ये सारा जो अरेंजमेंट है वो कर लिया जाए, टेबल वगैरह हटा देती हूँ। यहाँ हमारी दाल भी बहुत अच्छे से पक गई है, बॉईल आ गया है, और राइस भी बहुत अच्छे से स्टीम्ड हो गए हैं, तो बस अब थोड़ी देर में मैं खाना खाऊंगी, बिकॉज भूख तो मुझे लग रही है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि बेटा आ जाए। दाल भी देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो रही है। बस मैं यहाँ पर अब अपने लिए खाना सर्व कर रही हूँ, बिकॉज बेटे को और लेट हो जाएगा, तो मैम ने बोला है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं खा लेती हूँ। यहाँ पर मैं दाल राइस सर्व कर रही हूँ अपने लिए,
जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जिस दिन संदेश नहीं होते हैं या कभी छुट्टी होती है तो मैं दाल राइस ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मेरे पहले वाले वीडियोस में भी आपने देखा होगा। तो चलिए दाल राइस को खाते हैं। और थोड़ी सी दाल में मैं चीनी ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और आज तो मेरी दाल थोड़े से डार्क कलर की, अदरवाइज़ मेरी दाल जो है लेमन येलो कलर की होती है और बहुत ही स्वाद लगती है। तो ये मेरी स्पेशलिटी है, दाल और राइस मुझे बहुत अच्छे से पसंद भी है और बनाना भी आता है। अकेले खाने में मज़ा तो नहीं आता है, बट क्या करें, रोज़ मुझे मॉर्निंग में अकेले ही लंच और ब्रेकफास्ट करना होता है, बिकॉज़ दोनों नहीं होते हैं। साथ ही मैं, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था, जिस दिन छुट्टी होती है और मैं क्लास नहीं जा रही हूँ उस दिन, ये मैं मॉर्निंग में ये सारा रूटीन फॉलो करती हूँ। और उसके पहले, जब नहाने के पहले जो चीज़ें थी, वो सारा पुराने चीज़ों को रखना, ये सब चीज़ें मैं कर देती हूँ। मतलब कि सोफ़ा क्लीन करना, बेड क्लीन करना, वॉशरूम वगैरह क्लीन करना, वॉश बेसिन क्लीन करना, ये सारे काम मैं करती रहती हूँ। अब मेरा हो गया था लंच, तो मैंने सोचा बेटा नहीं आ रहा है, तब तक के लिए मैं अपना जो सामान है, मतलब जैसे कि दाल राइस हुआ, ये सारी चीज़ें मैं शिफ्ट कर देती हूँ दूसरे चीज़ों में। पर फिर बेल बज गई तो बेटा भी आ गया, तो मैंने सोचा चलो उसको दे देते हैं। और फिर मैंने घी बनाया था, तो घी के साथ जो तपेली जो खाली होती है उसमें मैं पानी को थोड़ा बॉईल कर देती हूँ, और ताकि पानी में सारा घी मेल्ट होके आ जाए। और जो ये वाला घी है, इसको ठंडा करके फ्रिज में रखती हूँ, तो इसके ऊपर एक बहुत मोटी सी घी की लेयर आ जाती है, जिसको कि मैं राइस वगैरह में डाल के यूज़ कर लेती हूँ। और जो पानी होता है उससे मैं आटा ज़रूर गूंथती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी रोटियाँ बनती है, पराठे भी आप बना सकते हो इसके गूंथे हुए आटे से, तो बहुत ही अच्छे से यूज़ हो जाता है इसका भी, और मैं कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। बस अब मैं बर्तन करने लगी हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज कुछ काम था ही नहीं है, मेरा मॉर्निंग रूटीन चल रहा है, मतलब बज गए थे 2, तो मैंने सोचा चलो फटाफट अपना पूरा बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए मैं एडिटिंग वगैरह करने के लिए चली जाऊँगी। बर्तन कर रही थी, साथ ही साथ बेटा आ गया, और उसके जैसे कि फेसेस बनाने की आदत है, तो देखिए वो कैसे फेस बना रहा है। और बस बीच बीच में आके अपने आप में थोड़ा सा स्टाइल मारता रहता है और फेसेस बनाता रहता है, और मुझे पता भी नहीं चलता है कब आके कैसी कैसी रिकॉर्डिंग कर लेता है। ऑल तो अकेला है, मस्ती कर रहा है, बट परेशान बिल्कुल नहीं करता, बहुत समझदार है। मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के, देखो कैसा फ़ोन को घुमा रहा है, क्या क्या करता रहता है, समझ नहीं आता। वो सारी चीज़ें दिखाता है अपनी, इसने आज ये देखे ये बनाया था, ये एरोप्लेन बनाया था, ये गाड़ी बनाई थी लेगो से, तो मुझे बताने के लिए वीडियो बना रहा था अपने डैडी को भेजने के लिए। सो काफ़ी क्रिएटिविटी तो काफ़ी है इसके अंदर, और करता रहता है, इसने बढ़िया सा प्लेन बनाया है। सो दोपहर में थोड़ा सा काम करने के बाद मैं थोड़ा लेट गई थी 1/2 घंटा, उसके बाद एडिटिंग वगैरह किया, थोड़ा मोबाइल चलाया, उसके बाद हम निकल गए दोनों माँ बेटे वॉक के लिए। थोड़ी सी साइकिलिंग दीशु करेगा, थोड़ा मैं करूँगी, और थोड़ी वॉक करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा मैं नाराज़ थी अपनी मम्मी से, गुस्सा थी अपने फैमिली में, लड़ाई वड़ाई कर लेती हूँ मैं कभी कभार, पता नहीं क्यों याद भी आती है उनकी इस वजह से। तो मैं वॉक करते करते उनसे बात ज़रूर करती हूँ, और बात करने के बाद फिर मैं आ गई थी साइकिलिंग के लिए, क्योंकि मुझे जो मेरा 2 साल पहले बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा पैर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो वो मेरा सर्जरी हुआ है, तो उस वजह से मैं साइकिलिंग और वॉक ज़रूर करती हूँ। और उसके साथ साथ मॉर्निंग में एक्सरसाइजेज भी मैं करना ज़रूरी है मेरे लिए, नहीं तो मेरा जो पैर है वो थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाती है उसके अंदर। सो जी आ गए हैं घर में, सब्जी लेके आ गए हैं, और बस सब खाने की तैयारी करूँगी, लगा देते हैं। सो आज ना बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, एकदम बढ़िया सा प्लीजेंट सा वेदर हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो नीचे वॉक करने में मज़ा आया, साइकिलिंग करने में मज़ा आया। सो इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब माय चैनल शीतल चंद्रक व्लॉग्स। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, सी यू गाइस, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।